that I own and know. I'm letting go. I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure, then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. फाइनली राइड के लिए अपन हो गए सेट, और अभी तक मैंने कवर किया है 60 किलोमीटर्स. मैं सुबह 3 बजे निकलने वाला था बट लेट हो गया, सुबह 7 बजे निकला. और अभी मैंने पहना है राइडिंग पैंट राइनॉक्स की, और उसके ऊपर ये पैराशूट जैकेट पहना है, मेरी जो जैकेट है, और उसके अलावा मेरा राइडिंग जैकेट पहनूंगा, ग्लव्स पहने हैं मैंने, और ब्रेकफास्ट कर लिया है. अभी टाइम हो रहा है 9:30 समथिंग, और होटल हाईवे किंग के ऊपर मैंने रेस्टोरेंट के ऊपर यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया था, इडली सांभर खाया, और मेरा बिल जो हुआ वो 140 रुपीज़ समथिंग हुआ था. और अभी चलेंगे आगे. ऐसे प्लान नहीं है मैं आज कहाँ पे स्टे करूँगा, कहाँ पे क्या करूँगा, बट डेस्टिनेशन जो होगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगी. जो आज डेट है वो है 22 दिसंबर, और देखता हूँ आज रात को कहाँ तक पहुँच पाता हूँ मैं, और देखते हैं आगे कैसा रहता है आज का दिन. ठंड तो काफ़ी है, मज़ा आ रहा है राइड करने के अंदर. काफ़ी दिनों बाद ऐसी राइड होने वाली है, और आज अभी तक मैं सोलो राइड कर रहा हूँ. और एक और फ्रेंड है मेरा राज कुमावत, उसने काफ़ी वेट किया मेरा यहाँ पे रुक के सुबह में से मिलने के लिए, और वो अभी आगे जा रहा है अपनी वाइफ के साथ है वो. तो मोस्ट प्रोबेबली मैं वहाँ से लेफ्ट हो जाऊँगा रेवाड़ी से चंडीगढ़ की तरफ. बाकी समझ में आ गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ. तो अभी चलो बाइक पर मिलते हैं अपन. Without his crown, now I'm breaking. You're faking, girl. You never made a sound. Oh, when I'm tired of the pain, go away. I'm tired of the pain. Finally. चल रहा है हाईवे पे. तो मैंने व्लॉग इसीलिए लेट स्टार्ट किया बिकॉज मेरे को यहीं से दिखाना था, और राज भाई मेरा ऑलरेडी वेट कर रहे थे होटल हाईवे किंग पे शाहपड़ा के बाद. जो था ठंड थी ना, काफ़ी मस्त थी, और मेरे ग्लव्स के अंदर तो ठंड लग रही थी, बट मैंने अब तो इनर वाले भी पहन लिए हैं अभी तक. तो बाकी देखते हैं आगे कैसा रहता है. फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस होगा जब मैं सोलो राइड पे जा रहा हूँ. तो व्हाट आई एम प्लानिंग इज कि मैं आज रात को चंडीगढ़ या रूपनगर समवेयर, जहाँ पे भी मेरे को सही टाइम मिला 7-8 बजे, मैं रुक जाऊँगा, सो जाऊँगा, फिर सुबह उठूँगा, वीडियो एडिट करूँगा. यही वाला फर्स्ट पार्ट वाला डे वन में कहाँ से किया. नेक्स्ट डे जो ठंड होने वाली है ना, लाजवाब, मज़ा ही आ जाएगा. और अभी तक जो मैं राइडिंग पैंट मैंने जो पहनी है, ये नवी की राइडिंग पैंट है राइनॉक्स की, तो इसका भी मैं रिव्यू बताऊंगा आप लोगों को कि कैसी है. बाकी अगर तुम लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो फॉलो कर लेना. जैसे ही मैं जहाँ पे जाऊँगा छोटी छोटी राइड के अंदर जहाँ पहुँचा करूँगा, और मैं शॉर्ट अपडेट वहीं पर स्टोरी के थ्रू डालता रहूँगा.
तो देखा जाए तो अभी मेरी बाइक दे रही है 30 से 35 का एवरेज, बिकॉज मैं चला भी अच्छी स्पीड पर हूँ 100-110 पे। और चलते हैं अभी आप। तो मुझे अब यहाँ से ऐसे लेफ्ट जाना है, फिर वहाँ से यू टर्न लेके उस पुलिया के ऊपर से जाना है। Cut the greenery. तो अभी टाइम हो रहा है 2 बज चुके हैं और अभी मैं रोहतक से आगे आ चुका हूँ। तो क्या बताऊँ यार, मस्त राइड हो रही है। अभी तक मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि मैं अकेला राइड कर रहा हूँ। सीरियसली यार, मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है और काफ़ी कंफर्टेबल है अभी तक। तो देखते हैं आगे, ठंड के बाद पता लगेगा कि कैसी है राइडिंग पैंट। तो उससे पहले तुम ड्रोन शॉट्स एंजॉय करो, फिर उसके बाद वापस मिलते हैं। तो आई होप आप लोगों को ड्रोन शॉट्स पसंद आए होंगे। हरियाणा की रोड्स ना काफ़ी यार खुली हैं, रोहतक साइड में तो इतनी मस्त रोड बनाई गई है ना, थोड़े टोल वगैरह ज़्यादा हैं और चार्जेस भी आएंगे रोड्स के ज़्यादा हैं। तो अभी चलते हैं बाइक पे और आगे चलते हैं पानीपत साइड में, पानीपत की लड़ाई करने। तो फिर वहीं से अपन देखते हैं कहाँ पे कितने बजे अपन कहाँ पहुँचते हैं, उस हिसाब से रात को स्टे करेंगे। तो लेट्स गो। अभी बताता हूँ मैंने सामान कैसे बांधा है। ये मेरा ट्रैवलिंग बैग है, ये मेरा लगेज है जिसमें मेरे ड्रोन वोन गियर्स पड़े हैं और ऐसा तो कुछ लिया नहीं है मैंने। तो अभी चलते हैं। तो ये जो हाईवे दिख रहा है ना आपको, इस हाईवे पे जैसे ही राइट घूमोगे ना बॉस, रात में आना ना बहुत बड़ा टास्क होता है, बिकॉज यहाँ पे इतना फॉग रहता है ना मस्त। मोस्ट प्रोबेबली अगर आगे आते वक्त मैं आया तो आपको दिखाऊंगा कितना फॉग रहता है। और यार मेरा ग्लव्स गिर गया कहीं पे, एक जो मेरा वार्म ग्लव्स था पीछे अच्छे से बांधा नहीं था मैंने, शायद गिर गया कहीं पे। काफ़ी मज़ा आ रहा है राइड करने में आज, बहुत दिनों बाद। तो एक मेरा यही रीज़न था निकलने का दिन के अंदर, जिससे आपको दिख सके कि यार कितना ब्यूटीफुल है दिन के अंदर। और हरियाणा में तो वैसे ही काफ़ी ग्रीनरी है हर जगह, हरियाणा साइड में ग्रीन थी, मस्त मजा आ गया हरियाणा।
अभी तक जो मैंने किलोमीटर किया है वो है 308.3 और मैं सुबह 7 बजे निकला था और 2:30 बज रहे हैं, आई गेस परफेक्ट टाइमिंग से चल रहा हूँ अभी तक। तो कब आ गया है हाईवे और यहाँ पे होती है वॉर, 120 से नीचे कोई चलता ही नहीं है। फुल कर दो तो मैं हूँ अभी रूपनगर के रास्ते पे कहीं पे और हल्का हल्का फॉग स्टार्ट हो गया यहाँ पे देख सकते हो आप, और टाइम अभी हो रहा है सिर्फ 5 बजने वाला है। तो रूपनगर पे मैं कहीं रुक जाऊँगा रात को सो दैट कल अर्ली मॉर्निंग लूँगा तो और अच्छे में मज़ा आएगा राइड करने में। और अभी इस चार्जर का भी टेस्ट कर ही लेते हैं आज अपन, मैंने इसको चार्ज लगाया है 451 पे और अभी जो बैटरी की परसेंटेज है वो है 36%, देखते हैं कितनी देर के अंदर फुल चार्ज होता है ये, जितना भी चार्ज होगा देख। अभी मैं पहुंच गया हूँ रूपनगर से 20 किलोमीटर पहले और टाइम हो रहा है अभी 5:43 और मैंने जो कवर किया अभी तक सुबह से मेरे घर से दैट इज़ 547.3 और जो चार्जर ने जो चार्ज किया 75% किया अपन ने 451 पे लगाया था राइट, तो अच्छा चार्ज कर रहा है यार, नॉट बैड। तो अभी देखो तुम क्या यार मस्त मौसम हो रखा है, मेरे को तो रुकने का मन कर रहा है यही मस्त। तो अभी थोड़ी देर चल रुकते हैं यहीं पर, फ़ोटो वोटो लेते हैं देन रूपनगर देखते हैं स्टे। अब देखते हैं अपनी HID कैसी लगती है। वाओ नाइस, अभी तक तो मैंने मेरी फॉग लाइट चालू ही नहीं करी है तो चालू कर दी जाए। नाइस यार अब आ रहा है मज़ा, क्या बात है पैसा वसूल। चलो चलते हैं अभी होटल ढूंढते हैं अच्छा सा। तो अभी मैं रूपनगर के मार्केट में आ चुका हूँ, तो यहीं पे लास्ट टाइम हमने एक रूम लिया था। जी अंकल जी एक मिनट, तो ये डिसाइड हुआ है कि बाइक में अंदर लगाऊंगा बट और जो मैंने फेयर दिया है 500 रुपये, ठीक है ना, कोई बात नहीं यार चलता है इतना तो, थैंक यू। ठीक है भैया मेट्रो का। तो अभी हूँ मैं रूपनगर के अंदर, देख ही लिया होगा आप लोगों ने मार्केट, तो फाइनली पहुँच तो गए और अभी 250 किलोमीटर आई गेस अभी है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में देख लेना आप। और सुबह मस्त फॉग हुआ कर रहा होगा तो आई थॉट कि मैं आज रुक ही जाता हूँ और कल आराम से सुबह निकलूँगा, मस्त व्यू मिलेगा दिन के अंदर, अभी रात में भी मैं चला भी जाता तो कोई मतलब नहीं था व्लॉग बनाने का। और अकेला था, फर्स्ट टाइम था, काफ़ी एंजॉय किया मैंने तो, हेडसेट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जब अपन ग्रुप में होते तो थोड़ा रुकना पड़ता है, वो थोड़ी चीज़ें होती है ठीक है, वो भी ग्रुप में होते तो बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं, फ़न होता है बाकी सारे दोस्तों के साथ मिलता है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू डिड सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम बाय, राइड सेफ़।